कि आप स्टार्ट आइडियाज लेके आए और पैसे ले जाएं, लेकिन मैं स्केल देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पे एक मैं इंडिया की कंपनी है 197 जिसे पेटीएम है, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड शॉपिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की है, इसकी जो टोटल फंडिंग है 197 की, दैट इज $4.4 बिलियन की स्टार्टअप है। दिस इज जस्ट वन। फिर एक मैं देख रहा था ओला कैब्स, ओला कैब्स जो है ये एक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है, टोटल इसकी जो फंडिंग है दैट इज $3.8 बिलियन। इसी तरह और भी जैसे कि इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म की एक कंपनी थी ओयो, ओ वाई ओ, दैट इज $3.2 बिलियन। इसी तरह एक और है इंडिया की एनर्जी में कंपनी है रीन्यू पावर, $2.8 बिलियन। ये मैं जस्ट बड़ी बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट जो मैंने रिसर्च की है मेरे सामने आई चीजें। और ये स्नैपडील एक है जो कॉमर्स एंड शिपिंग है, दैट इज $1.8 बिलियन। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने पाकिस्तान में इसको थोड़ा देखने की कोशिश की स्टार्टअप्स के हवाले से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई समझने में कि एक जो स्टार्टअप मेरे सामने आ रहा है दैट इज zameen.com, जस्ट $29 मिलियन। दिस इज अ प्रॉपर्टी वेबसाइट जिन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में ये सारा जो प्रॉपर्टी का डाटा है इसको डिजिटाइज किया, और इनका जो ओवरऑल डिस्क्लोज वेंचर कैपिटल फंडिंग जो भी होती है $29 बिलियन की है। वैसे इनकी जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वो $80 मिलियन है। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने कंपनी देखी एयरलिफ्ट के नाम से, $14.2 मिलियन। मतलब दैट इज वेरी स्मॉल कंपनीज है। फिर रोजी पी के $8.5 मिलियन, पाइकिया एक सर्विस है ये जो डिलीवरी वगैरह देते हैं घरों में, $5.7 मिलियन। फिर एक फिनजाय कंपनी, छोटी कंपनी ऑब्वियसली पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए $2.5 मिलियन। इसी तरह छोटी छोटी कंपनी, लेकिन उधर आपको जो सबसे बड़ी कंपनी नजर आ रही है दैट इज मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। सो इट मींस के जो मैं जिसको मैं समझा हूं और मैं समझ रहा हूं और मैंने समझने की कोशिश की कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी यूथ से बहुत ज्यादा डायरेक्ट जो है वो टॉक कर रहा है, डिस्कस कर रहा है और उनसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। इधर से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो हैं, जिन्होंने अपनी यूथ को पॉलिटिकली अवेयर करने में तो बहुत काम किया है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सारी की सारी यूथ पाकिस्तान में जो है वो तो देख रही थी इमरान खान की तरफ कि जॉब्स लेके आएंगे इमरान खान ने, मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, ये करोड़ नौकरी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। खैर जॉब्स वो तो ले ऑफ होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, फिर इन्होंने कुछ अपने प्रोग्राम्स बदले जिसकी वजह से मजीद चीजें जो है वो ले ऑफ हो गई। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया जिसको मैंने समझा कि, और मैंने समझा कि ये इमरान खान साहब क्यों नहीं बोलते, इसमें ये क्या वजह है उनके ना बोलने की, बिजनेस की तरफ मोटिवेट करने की। क्योंकि देखिए टॉप लीडरशिप जो है उसका बोलना जरूरी है। जब इमरान खान बोलेगा कि यूथ को किस तरह जो टेक डेवलपमेंट की तरफ जाना है या स्टार्टअप्स की तरफ जाना है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर 2018 में 50,000 स्टार्टअप्स थे, और जबकि 2000 और फिर जिसमें आप ये कह लेंगे जिसमें 9000 तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स थे। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनकी नेचर अलग है, या वो खाने पीने वाले हैं या इस तरह के हैं, इंडिया में भी इस तरह के हैं, लेकिन हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के स्टार्टअप्स हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो मुझे चीज़ नज़र आई है पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, पाकिस्तान का जो ज्यादातर लोग हैं या जो माँ बाप होते हैं वो ज्यादातर बच्चों से जब बात करते हैं तो वो यही सोचते हैं हमें नौकरी मिल जाए, बस हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी से आगे वो कुछ नहीं सोचते। उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी में क्योंकि काम कम करना पड़ता है, फिक्स पे आ जाती है, आपको सारा कुछ हो जाता है, दोपहर को 1-2 बजे फारग भी हो जाते हैं तो ऐयाशी वाशी भी चल जाती है। सो ये है वो माइंडसेट। और ये कोई नहीं कहता कि हमें जॉब बिजनेस करना है, मैं ओवरऑल मुआशरे की बात कर रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान में बिजनेस माइंड के लोग नहीं है या बिजनेस के वाले से बात नहीं की जाती। कराची, लाहौर, पिशावर और बहुत सारी जगहों में बहुत बड़े लड़के, यंग लड़के बिजनेस कर रहे हैं, बड़े कामयाब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो चंद एक लोग होंगे ना। हमें तो ये मुआशरे में लार्ज स्केल पे इस चीज को लेके जाना है कि भाई अगर इतनी बड़े बड़े हमें स्टार्टअप्स करने हैं तो फिर आप ये कह लें कि आप
और टेक बेस्ड स्टार्टअप्स होने चाहिए, क्योंकि जब एक जो स्टार्टअप जो बंदा करता है वो तो आगे से 1,000 नौकरी भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक जो जॉब कर रहा है वो तो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। सो हमें लोगों को, जैसे मैं एक अमेरिका का सर्वे देख रहा था कि तकरीबन 1.7% जो यूथ आ रही थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरियां जो है छोड़ दी हैं। दैट मीन्स के दे आर डूइंग द बिजनेसेस और वो उन चीजों में जा रहे हैं। सो आज की जो चीज है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वहां पे अब इवन के चाइनीज भी वहां पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जा रही है, कि वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वहां पे आप बिजनेस करें और वहां पे आप कारोबार करें और वहां पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और पुराना है लेकिन अब वो जारी बात, अब कुछ साल पहले शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 उसको इतना पब्लिसाइज किया कि वो लोगों तक पहुंच गए। जबकि पाकिस्तान की जो हमारे वजीर आजम है, उन्होंने रिसेंटली एम्बेसीज को बाहर झाड़ पे लाई कि देखो इंडिया कितना आगे चला गया, वो किस तरह लोगों को लेके आते हैं और तुम क्यों नहीं लेके आते। सो जो मैंने चीज नोट की कि जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं वो स्टार्टअप बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टार्टअप्स हैं, और जो स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर के स्टार्टअप्स हैं। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग चीज भी थी, और उसका स्केल का भी फर्क था। जारी बात है पॉपुलेशन पाकिस्तान में कम है, लेकिन जब आप अपने स्टार्टअप की ग्लोबल ओरिएंटेशन, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट और वर्ल्ड मीडिया पर नज़र रखने वाले कमर चीमा, जो इंडियन मीडिया पर काफ़ी दिखाई देते हैं, वो बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो भी बोले आप उस प्रोग्राम के बारे में। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपको पता है, भारत सरकार जो अभी करंट सरकार है, मोदी सरकार, इसने लगभग लगभग 3 से 4 साल पहले लॉन्च किया था, और इसका जो सक्सेस है वो अब देखने लगा है। हालांकि कई लोग जो मतलब इंस्टेंट सक्सेस वाले चाहते हैं, जैसे कोई स्कीम आज लाई जाए और 3 दिन में उसका रिजल्ट मिलने लगे, तो वो लोग को तो अभी भी इसका सक्सेस नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों इस प्रोग्राम का बेसिकली मतलब ये था कि कोई भी चीज़ हो भारत में बने, चाहे वो बाहर की कंपनी आके बनाए या भारत के लोग खुद अपना स्टार्टअप क्रिएट करें। तो आपने देखा दोस्तों बहुत सारे मोबाइल जो कि मतलब हैं तो बाहर के, लेकिन अब वो भारत में बनने लगे हैं। इससे उनका मतलब जो प्रोडक्शन है इंडिया में ही होता है, भले वो बाहर की कंपनी है लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा एप्पल का मोबाइल भारत में बनने लगा है, सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूस करने वाला प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी कंपनी मतलब जो है मोबाइल प्रोड्यूस करती है वो भारत में है, नोएडा में। तो दोस्तों अब इनसे ये फ़ायदा होगा कि ये अभी तो भारत में ये खुद बना रही हैं, लेकिन 8-10 साल में जब टेक्नीशियन वगैरह ट्रेंड हो जाएंगे तो उसके बाद होगा क्या कि इंडियंस अपने मतलब खुद के मोबाइल लॉन्च कर सकेंगे। क्योंकि आपको भी पता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। जिस दिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी उस दिन यहाँ के लोग खुद सक्षम हो जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, जैसा कि चाइना के साथ हुआ था। चाइना में जाकर दुनिया के सारी कंपनियों ने व्यापार लगाया, क्योंकि वहाँ चीप लेबर थी और सस्ता था सब कुछ। और आज हुआ क्या कि आज चाइना में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया और चाइना खुद ही सब कुछ मतलब बनाने लगा, और जो कंपनियाँ हैं वो खुद बाहर जाने लगी, उनका खुद का व्यापार ठप हो गया। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में सिचुएशन बनती क्या है। पाकिस्तान ने भारत के साथ कंपेयर किया, ये एक इनका पुराना रिवाज है, इनका रिवाज ये 1947 से चला आ रहा है। हर चीज़ में भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। आपको भी पता है भारत कहाँ पाकिस्तान कहाँ। हालांकि पाकिस्तान की लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान को बहुत तरक्की कर लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कोई भी तरक्की कर नहीं पाया है, और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग भीख पर ही जिएंगे, क्योंकि ये ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।